स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने खुलासा किया कि उनके अच्छे दोस्त और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एवी डिविलियर्स ने विश्व कप 2019 के लिए टीम चयन से एक रात पहले फोन करके कहा था कि अगर राष्ट्रीय टीम को जरूरत है तो वो अपने संन्यास के फैसले को बदलकर वापसी करने के लिए तैयार हैं। मगर फोन आने में काफी देरी हो गई क्योंकि चयनकर्ताओं ने तब तक 15 सदस्यीय टीम के लिए मन बना लिया था और अगले दिन उसकी घोषणा करने वाले थे। हमारी बातचीत हुई लेकिन टीम जिस दिन घोषित होनी थी उसकी एक रात पहले फोन आया। ये सिर्फ वो था कि डिविलियर्स ने अपने मन की बात की जो वो महसूस कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, मगर मैं देखता हूँ कि कोच और चयनकर्ता अगले दिन क्या कर सकते हैं। जब मैंने कोच और चयनकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है। ड्यूप्लेसी ने हालांकि कहा कि मामले के बाद भी डिविलियर्स से उनके रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, एबी डिविलियर्स और मैं आज भी अच्छे दोस्त हैं। इस घटना से हमारे बीच कुछ नहीं बदला। ये दोस्ती में बहुत छोटी चीज है। हमारी दोस्ती काफी पुरानी और गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।